नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नेशनल हाईवे 148 बी पर नांगल चौधरी के समीप सिरोही बहाली में बने टोल प्लाजा पर एक बार फिर मारपीट का मामला सामने आया है। सिरोही बहाली में बना टोल प्लाजा शुरुआत से ही विवादों में रहा है। काफी बार इस टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसा ही एक मामला देर रात भी सामने आया। पूरे मामले को लेकर जब नांगल चौधरी थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तकरीबन रात 11:30 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि टोल पर कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर वे तुरंत मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए अपराधियों का पीछा किया। थाना प्रभारी के मुताबिक टोल प्लाजा पर फायर भी किए गए और इन अपराधियों का पीछा करते हुए पुलिस ने तीन को धर दबोचा। बाकी की तलाश अभी जारी है। थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही बाकी अपराधियों के साथ साथ घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी काबू किया जाएगा। नांगल चौधरी से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। 15-16 की रात को 11:30 बजे के करीब एक बोलेरो में आए 5-6 लड़के थे, जिन्होंने टोल पे फायर भी किया और शीशों को तोड़फोड़ भी की, जिसमें हमने तत्पर दिखाते हुए हम उनके पीछे ही लग लिए थे। तो हमने कल उनको तीन बंदों को उनको गिरफ्तार कर लिया और बाकियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ना मंथली उंथली का कोई ऐसा वो नहीं है, लेटरिंग वगैरह भी कर रखी थी तो इन्होंने से इनसे टोल टोल मांग लिया। उसी बेस पर ये अपना ड्रिंक कर रखी थी, एक तो छापड़ा बीवीपुर का इनमें, इस कारण से इन्होंने अपना टोरा फोरी दिखाते हुए ये वारदात को अंजाम दिया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।